संरक्षण देने वाली गुजरात सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये जो अपराध हुआ है ये निर्भया कांड से कम नहीं था। उनके लिए हिंदू मुस्लिम महिला कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए एक महिला मायने रखती है जिसको वो उपभोग का सामान समझते हैं। मुस्लिम महिलाओं को लेकर तो शीशे की तरह साफ हो चुका है कि मोदी सरकार की जो मानसिकता है वो क्या है। ये इनका एक एजेंडा है, ये दहशत पैदा करना चाहते हैं उन सब महिलाओं में। इस सरकार की नज़र में उन लोगों को टीके लगाकर, उन लोगों को मिठाई खिलाकर स्वागत किया जाता है कि उन्होंने मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार किया। तो हमारे मुस्लिम समाज में से भी उन्होंने अपने अपने अन भक्त को खरीद लिया। ये जो है ओखला है, ओखला की आवाम जो है बहुत ज़्यादा हर मुद्दे पे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये खड़ी होती है। लेकिन आज मुझे बहुत दुख और अफसोस हो रहा है कि यहाँ की आवाम जो है साथ नहीं दी। मैं इस वक्त दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बटला हाउस में मौजूद हूं, जहां एक रैली निकाली गई है बिल्कीस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए। मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं कि महिलाएं मौजूद हैं। महिलाएं कम तादाद में ज़रूर हैं लेकिन आवाज़ इनकी मजबूती से उठ रही है। मैं इनसे बातचीत करूँगा, जानूंगा कि इन्होंने जो रैली निकाली है आखिर उसका मकसद क्या है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रैली आप लोगों ने निकाली है मकसद क्या है आपका? देखिए मकसद तो बिल्कुल साफ है, इन सरकारों ने दरिंदों को स्वतंत्र रखने का और महिलाओं को और आम नागरिकों को घरों में कैद करने का जो एक तरीका लिया है उसके खिलाफ हम ये जता देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि ये समाज मृत नहीं हुआ है, जिंदा है। इस समाज के दिलों में दर्द है, इस समाज के दिलों में बगावत है तुम्हारी इन वैशी हरकतों के खिलाफ और तुम्हारी इन वैशी नीतियों के खिलाफ। जब तुम अपराधियों को जेलों से बाहर निकालकर, मानवता के प्रति अपराध करने वाले इन दरिंदों को जेलों से बाहर निकालकर उनका सम्मान करते हैं, उनको मालाएं पहनाते हैं, उनको मिठाइयां खिलाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, तो ऐसे दरिंदों को हम बाहर नहीं रहने देंगे। और लगातार संघर्ष करते हुए ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन और हमारे आम जनता इस बात के लिए सड़कों पर उतरेगी और उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजकर ही दम लेगी। आप क्या चाहते हैं कि आपको लगता है अभी भी कि ऐसा होगा कि दोबारा उनको जेल में डाल दिया जाएगा और आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पूरे देश भर में महिलाएँ, सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जिस तरीके से ये लोग जहर जो फैला रहे हैं आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर जिस तरीके से बांटा जा रहा है, तो हम ये हमारे देश की राष्ट्रपति जो एक महिला हैं हम उनसे भी गुहार करना चाहते हैं कि एक महिला जो जिंदा है, जिसकी आंखों के सामने उसके 3 साल की बेटी को का सर कुचल कुचल कर मार दिया गया, एक महिला जिसके आंखों के सामने उसी की परिवार की 3 अन्य महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके परिवार के 14 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया, और उन्हीं दरिंदों को ये सरकार, गुजरात सरकार, और क्योंकि ये केस जो है ये CBI कोर्ट से उनको फांसी हुई थी तो बिना केंद्र सरकार की सहमति के उन लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ तक? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए है। सिर्फ इतना ही नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत पुराना हो चुका है। अभी 15 अगस्त को ही जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव का गुणगान कर रहे थे तभी हमने देखा कि एक तरफ वो कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को हमारी जो संस्कृति है हमें उसे बदलना होगा, वहीं उनकी पीठ के पीछे जो है वो 11 दरिंदों को जो है वो छोड़ा जा रहा था। तो कहाँ महिलाओं का सम्मान बच गया है? ये साफ साफ झूठ है। अगर ये 11 दरिंदे जो बलात्कारी हैं वो इसी तरीके से घूमते रहेंगे तो लाखों महिलाएँ जो आज हमारे देश की कानून व्यवस्था के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर जो विश्वास करके न्याय की गुहार लगा रही है, उनका आशा की किरण वो खत्म हो चुकी है, उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो क्या सिर्फ बात मुस्लिम महिलाओं को लेकर ही है? जी नहीं, ये मुस्लिम महिलाओं की ही नहीं है, ये हर उस महिला की है जो अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए आवाज़ बुलंद करती है, और वो भी महिला जो घरों में बैठी है बिचारी, उन सबके हक की आवाज़ है, उन सबके जीवन से जुड़ी हुई ये आवाज़ है। क्योंकि समाज का 50% आबादी अगर महिलाएं हैं तो उन महिलाओं को घरों में दुबका कर उन्हें केवल एक इनके जो मनुवादी संस्कृति है जिसके तहत कि तुम घरों में रहो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को पालो पोसो, खाना बनाओ और मर जाओ,
तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ये साबित करना चाहती है सरकार। उनके लिए हिंदू मुस्लिम महिला कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए एक महिला मायने रखती है जिसको वो उपभोग का सामान समझते हैं और जितना उसको यूज करें, जितना उसको प्रताड़ित करें, जितना उसके ऊपर अन्याय अत्याचार करें, ये इनका एक एजेंडा है। ये दहशत पैदा करना चाहते हैं उन सब महिलाओं में जिनके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुए हैं। तो ये दहशत पैदा जो दोषी हैं उनके साथ आखिर होना क्या चाहिए? उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सज़ा नहीं उनको मिलती है तो ये हो जाए, ये मैसेज जाएगा कि देखो जो औरतें हिम्मत करती हैं, जो निकलती हैं, जो अपना आवाज़ बुलंद करती हैं, वो उनका भी हौसला तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। तो इसको हम लोग नहीं सहेंगे जब तक उन मुजरिमों को दोबारा जेल के अंदर नहीं भेजा जाएगा। लेकिन आज आप लोग की तादाद इतनी कम है। बात ये है, मुद्दा महिलाओं का है तो यही तो बात है, यही चीज़ तो दिखाना चाहते हैं, इसी चीज़ का तो गवर्नमेंट जो है फ़ायदा उठाती है, जो ऐसे उल्टे सीधे कानून लागू करती है, मुजरिमों को आज़ाद करती है। कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो बन गया है, उस डर के माहौल की वजह से ये तादाद, ये जो है ओखला है। ओखला की आवाम जो है बहुत ज़्यादा हर मुद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये खड़ी होती है। लेकिन आज मुझे बहुत दुख और अफसोस हो रहा है कि यहाँ की आवाम जो है साथ नहीं दी, कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके डर गई है। आवाम में डर का माहौल जो फैलाने का ये कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, वो कहीं ना कहीं एक हद तक कामयाब हो गए। लेकिन हम जैसी महिलाएं, ये एक एक महिलाएं जो है ना सौ सौ की आवाज़ रखती हैं और ताकत रखती हैं, ये जो है उनको इस चीज़ का हौसला, उनको हौसला मिलेगा इस चीज़ से जो हमने छोटे लेवल पर भी किया है ना, उनका हौसला को जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए। और हम जब तक उनको न्याय इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हम करेंगे। यहाँ से ये आवाज़ अभी उठेगी या यहीं तक जाएगी? उठेगी, आगे तक पहुँचेगी। ये छोटे छोटे लेवल पे, ओखला के अंदर जितना भी छोटे छोटे, दिल्ली के, पूरे दिल्ली के अंदर हर एक छोटे छोटे लेवल पे हम लोग करेंगे। करने के बाद फिर बड़ा जो है वो दिखाएंगे बड़े लेवल पे। क्या होना चाहिए बिल्किस बानो के जो दोषी हैं उनके साथ, आप क्या चाहती हैं महिला होने के नाते? सजा मिलनी चाहिए, बस मैं इन बहनों का साथ देने के लिए आई हूँ। नहीं, वो कौन सी ऐसी सजा हो जो बलात्कारियों के लिए एक मिसाल बन जाए कि उसके बाद फिर ऐसा कुछ हो ही ना? उन्हें तो सीधी फांसी होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि हर मुसलमान की बेटियाँ बराबर होती है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबकी लड़की बराबर है। लेकिन उसके लिए उसको सजा चाहिए, मिलना ज़रूरी है। कल को बच्चे लोग डर जाएंगे, लिखना पढ़ना भी छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। इसलिए मोदी सरकार को ये चीज़ का कुछ करना चाहिए, उनको जेल से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को लेकर मोदी सरकार की सोच आपको क्या नज़र आई? मुझे तो उसकी सोच अजीब आ रही है, लग रहा है मुसलमान का वो साथ नहीं दे रहा है, नहीं करेगा, यही नज़र आ रहा है मुझे। अगर वो साथ दें तो फिर ऐसा हरकत होएगा ही नहीं। तो मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा, मुस्लिम महिलाओं को लेकर सोच क्या है आखिर सरकार की? क्योंकि मैं मुस्लिम महिलाओं को लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो प्रताड़ना है वो मुस्लिम महिलाओं के साथ। देखिए, मुस्लिम महिलाओं को लेकर तो शीशे की तरह साफ हो चुका है कि मोदी सरकार की जो मानसिकता है वो क्या है। ये आप देख सकते हैं कि महिला के साथ एक इतना मतलब जघन्य अपराध हुआ है, लेकिन उसको अपराध ही नहीं माना जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं की, या मैं कहूँगी कि मुस्लिम महिलाएं तो हैं ही, बल्कि मैं कहूँगी महिलाओं की ही कोई भी अहमियत नहीं है कि एक महिला के साथ इतना जघन्य अपराध होता है। देखिए, ये जो अपराध हुआ है ये निर्भया कांड से कम नहीं था, लेकिन हम वहीं देखते हैं कि निर्भया, क्योंकि निर्भया के कांड के बाद पूरा देश खड़ा हुआ, पूरे देश ने आवाज़ उठाई, इसलिए मजबूरी में सरकार को उन दरिंदों को फांसी देनी पड़ी। लेकिन ये जो अब ये जो अपराध हुआ है बिल्किस बानो के साथ, जो अपराध हुआ, उसकी बेटी को मार दिया, उसके परिवार को पूरे को ख़त्म कर दिया गया, उसके साथ जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी तब उसके साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किया गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि सरकार की नज़र में उन लोगों को टीके लगाकर, उन लोगों को मिठाई खिलाकर स्वागत किया जाता है कि उन्होंने मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार किया, मुस्लिम महिला पुरुषों को मौत के घाट उतारा। तो एक तरीके से तमाम ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, नफरत का माहौल, एक पर्टिकुलर संप्रदाय के खिलाफ
मुस्लिम संप्रदाय के खिलाफ, ये असल में इनकी वोट बैंक का ही एक आधार है, इसीलिए ये ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक चीज़ मुझे ये बताइए, आप कह रही थी कि भाई बीजेपी ने क्योंकि बटला हाउस, ओखला, इन इलाकों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, तो इसलिए जो आवाम है उसमें थोड़ा सा डर है, खौफ है, ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे इसलिए लगता है कहीं ना कहीं कि सच्चाई की जो लड़ाई है ना, ये कम तादाद में ही लोग लड़ते हैं, और बीजेपी जो है खरीदने का काम करती है। क्योंकि आज पता है, आज आपको भी पता है, सभी को पता है कि ना रोजगार बचा है, ना ही क्या कहते हैं शिक्षा बचा है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान है अपने घर चलाने के लिए भी। तो वो भाजपा के पास तो पैसा की कमी नहीं है, तो वो जो है अपने लोग को, अपने अंधभक्त को खरीदने के लिए तैयार है। तो हमारे मुस्लिम समाज में से भी उन्होंने अपने अपने अंधभक्त को खरीद लिया है, इसी वजह से लोग जो है पर ये जो सच्चाई की लड़ाई आवाज़ उठा रहे हैं, इसमें लोग एक तरफ से हम लोग उनको निकलने के लिए समझाते हैं, बोलते हैं, वो तैयार भी हो जाते हैं, दूसरी तरफ वो लोग आते हैं अपना डर और खौफ कि ये लोग तो पागल हैं। और सच बात है, शुरू टाइम से ही जो सच्चाई की लड़ाई लड़े हैं उनको पागल ही बोला गया है, तो हम जैसे लोगों को पागल कहा जाता है। तो हम लोग पागल हैं कि हम अपना हक के लिए लड़ते हैं, हम इंसानियत के लिए, पूरे समाज के लिए लड़ते हैं, इसलिए इस टाइप के हम पागल हैं। तो इस वक्त दिल्ली के बटला हाउस की ये तस्वीरें हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ बच्चे हैं, नौजवान लड़के हैं, ये लोग एक रैली निकालकर बटला हाउस चौक तक पहुंचे हैं और यहां से सीधा मैसेज और एक पैगाम देने की कोशिश की है, और ख़ास तौर से मोदी सरकार को एक बड़ी चेतावनी भी दे दी है, कह दिया है कि अगर महिलाओं के हक और इंसाफ में मोदी सरकार ने कदम आगे नहीं बढ़ाए और बलात्कारियों को सज़ा नहीं दी, तो ये तो एक अलामती एहतजाज हैं, छोटे छोटे प्रदर्शन हैं, रैलियां हैं आवाम को जगाने के लिए। इस सड़क पर जो महिलाएं उतरी हैं, उन्होंने कहा है कि ये हमारा एक सिर्फ अलामती एहतजाज है कि हम निकले हैं, और बताया है कि बिल्किस बानो के साथ आखिर हुआ क्या है, लेकिन अगर उनको सज़ा नहीं मिली तो इससे बड़ा एहतजाज और एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, देश भर में बड़े पैमाने पर आंदोलन होंगे और मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होंगी। इनके हाथों में प्लेकार्ड्स हैं जिन पर लिखा हुआ है कि बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उनका फूल मालाओं से स्वागत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं, आप ये ज़रूर समझ रहे होंगे कि ये छोटे पैमाने पर एक रैली निकाली गई है। बिल्कुल छोटे पैमाने पर रैली ज़रूर है, लेकिन इनका कहना है कि ये रैली सिर्फ एक निशानदेही करती है, अलामती रैली है, इसके बाद एक बड़ा एहतजाज होगा और वो एहतजाज दिल्ली के जामिया नगर में ही किया जाएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।